नमस्ते, आईको एंड वीवो डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है उसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल आईको एंड वीवो डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है अवेलेबल है, जिसके साथ आप जो है अपने डिवाइस में एंड्रॉयड 15 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो वेबसाइट है इसका जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर वीवो की तरफ से ये जो वेबसाइट है देखने को मिलता है। इस वेबसाइट में जाके आप जो है एंड्रॉयड 15 को यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने आईको एंड वीवो डिवाइस के लिए। सबसे पहले ये जो अपडेट है एंड्रॉयड 15 का जो है प्रीव्यू प्रोग्राम है, एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लेटेस्ट जो अपडेट है यहाँ पर 4th September 2024 में जो है यहाँ पर वीवो एंड आईको डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है ऑफिशियली यहाँ पर रिलीज हो गया है। तो इसके साथ आप जो है अपने वीवो X100 एंड आईको 12 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 15 को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हो तो आपका जो डेटा वगैरह है यहाँ पर डिलीट नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप जरूर से जो है यहाँ पर इस अपडेट को इंस्टॉल करने के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है आपके डिवाइस के ऊपर उसका बैकअप क्रिएट करो। तो मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। तो सिंपली ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आपको जो है वीवो X100 एंड आईको 12 डिवाइस का जो है यहाँ पर जो एंड्रॉयड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम का जो है लिंक वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर आपके पास वीवो X100 डिवाइस है और आईको 12 डिवाइस है तो आप जो है एंड्रॉयड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है उसे जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो सिंपली हमने यहाँ पर आईको 12 सिलेक्ट किया है, देन एंड्रॉयड 15 प्रीव्यू यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। नाउ डाउनलोड करने के बाद आपको किस तरह से इसे इंस्टॉल करना को उसके बाद बात कर लेते हैं। तो बहुत ही ईजी है, आप सिंपली यहाँ पर पीसी में भी डाउनलोड कर सकते हो और सिंपली आप जो है फोन में भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप सिंपली यहाँ पर फोन में डाउनलोड करते हो वही सही रहेगा, अगर आप पीसी में डाउनलोड करते हो तो आपको अलग से जो है यहाँ पर फोन में जो है ट्रांसफर करना होगा। एनीवे यहाँ पर ये जो एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है इसे जो है यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद जो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। सिस्टम अपडेट में टैप करने के बाद यहाँ पर जो 3 डॉट का जो ऑप्शन है इसमें टैप करो, देन यहाँ पर अपग्रेड सेटिंग्स का जो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें टैप करो, देन यहाँ पर लोकल अपग्रेड का जो ऑप्शन है जो 3rd वाला जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। एंड यहाँ से आप जो है एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है उसे जो है यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। तो आपको सिंपली जो एंड्रॉयड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है उसे आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड करना होगा, एंड यहाँ पर जो सेटिंग्स में है यहाँ पर आके अपग्रेड सेटिंग्स में जाके लोकल अपग्रेड से जो है यहाँ पर सिंपली एंड्रॉयड 15 को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सिस्टम अपडेट है उसे आपको जो है रूट डायरेक्टरी जो है उसमें जो है यहाँ पर मूव और कॉपी करना होगा। तो यहाँ से आपको जिस तरह से जो है एंड्रॉयड 15 को एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने रेडमी अपने वीवो एंड आईको डिवाइस के ऊपर, रेडमी नहीं। एनीवे एंड अगर अपडेट को अनइंस्टॉल करना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सेम आपको इस वेबसाइट में जाना होगा फिर से, एंड यहाँ पर जो प्रोसेस आपको मैंने बताया है यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो अनइंस्टॉल करने के लिए भी यहाँ पर वीवो एंड यहाँ पर आईको 12 डिवाइस के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको सिंपली अगर आपके पास वीवो का डिवाइस है तो वीवो का सिलेक्ट करो, अगर आपके पास आईको का डिवाइस है तो आईको का जो ऑप्शन है सिलेक्ट करना होगा, देन एंड्रॉयड 14 सिलेक्ट करके यहाँ पर जो डाउनलोड का जो ऑप्शन है इसमें टैप करते ही आपके डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 14 का जो रॉम है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देन फिर से यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा, देन फिर से सिस्टम अपडेट में जाके अपग्रेड सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करके लोकल अपग्रेड से जो है यहाँ पर एंड्रॉयड 14 को इंस्टॉल कर देना होगा। तो एंड्रॉयड 15 को इंस्टॉल करने का प्रोसेस जो है सेम उसी प्रोसेस में आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 14 को जो है यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा सेम प्रोसेस में। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर अपग्रेड और डाउनलोड करने के दौरान जो है यहाँ पर कोई भी फाइल्स वगैरह जो है यहाँ पर डिलीट नहीं होगा, बट
अगर फाइल डिलीट हो जाता है तो मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो है जरूर से आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसका जो है बैकअप क्रिएट करना। एंड अगर आपके पास एक ही डिवाइस है और अगर आपके पास कोई सेकेंडरी डिवाइस नहीं है तो ये जो एंड्रॉयड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है इसे जो है आप इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि इसमें जो आपको बग्स वगैरह देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं क्या क्या इशू का फेस कर सकते हो। सबसे पहले ये जो वेबसाइट है इसमें ही आपको बता देगा क्या क्या इशू है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं IQ 12 डिवाइस के साथ जो है क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले IQ 12 डिवाइस के साथ जो कैमरा क्रैशिंग का जो इशू देखने को मिलता है, जो कैमरा एप्लीकेशन है यहाँ पर क्रैश हो जा रहा है, प्लस जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह है यहाँ पर सही से काम नहीं कर रहा है उसके साथ जो है इशू वगैरह देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर सेटिंग्स के साथ कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, चीज भी हमने नोटिस किया है। सेटिंग्स मेन्यू के ऊपर कुछ कुछ ऑप्शन जो है एंड्रॉयड 15 प्रीव्यू प्रोग्राम के साथ काम नहीं कर रहा है, प्लस यहाँ पर UI एंड डिस्प्ले के साथ कुछ इंटरफेस के साथ भी इशू वगैरह देखने को मिलता है, जिसे हमने नोटिस किया है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, प्लस Vivo X100 डिवाइस के लिए भी जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इशू देखने को मिल रहा है, प्लस सेटिंग्स के साथ भी कुछ कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, प्लस जो फोन जो है जो सिस्टम UI वगैरह है वो भी यहाँ पर क्रैश हो जा रहा है, प्लस UI वगैरह के साथ भी इशू वगैरह देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ पर एंड्रॉयड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है बेसिकली यहाँ पर डेवलपर्स वगैरह के लिए है जो कि यहाँ पर टेस्टिंग करना चाहते हैं। देख ही सकते हो यहाँ पर अगर कोई भी डेवलपर वगैरह है अपना जो एप्लीकेशन वगैरह है उसे अगर टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हो तो इस वेबसाइट में आके जो है फनटच OS 15 के लिए और एंड्रॉयड 15 के लिए अपना जो एप्लीकेशन वगैरह है उसे जो है सही से ऑप्टिमाइज कर सकते, टेस्टिंग वगैरह कर सकते, डिप्लॉयमेंट वगैरह कर सकते। इसके लिए ये जो एंड्रॉयड 15 का जो है प्रीव्यू प्रोग्राम देखने को मिलता है। एंड में आपको मैंने जैसे कहा है अगर आपके पास एक ही डिवाइस है, एक ही प्राइमरी डिवाइस है और कोई भी सेकेंडरी डिवाइस नहीं है तो ये जो एंड्रॉयड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है इसे इंस्टॉल मत करो। एंड अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आप जरूर से मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी डेटा वगैरह है उसका जो है बैकअप क्रिएट करना जरूरी है। नाउ जब एंड्रॉयड 15 ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा तो ये जो एंड्रॉयड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है इसे जो है रिमूव कर दिया जाएगा। प्लस वेबसाइट में बताया गया है यहाँ पर अपडेट करने के दौरान जो है डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए बैकअप करना जरूरी है। प्लस ये जो अपडेट है एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है प्रीव्यू बिल्ड है, जो है फाइनल बिल्ड नहीं है, शायद कुछ कुछ फीचर्स जो है काम नहीं करेगा, प्लस यहाँ पर कुछ कुछ फीचर्स शायद जो है यहाँ पर रिमूव भी हो जाए फाइनल अपडेट में। एंड ये जो एंड्रॉइड 15 का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है इसका जो डाउनलोड साइज है 5.3 GB है, तो ये चीज ध्यान में देना होगा। एंड रिसेंटली हमने फनटच OS 15 का जो क्लोज बीटा 1 अपडेट है उसका भी जो है रिव्यू वीडियो शेयर किया था, फर्स्ट लुक वीडियो शेयर किया था, उसे भी आप जो है चेकआउट करके देख सकते हो। आप सिंपली IQ का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देखो। एंड ये जो वीडियो है कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। यहाँ पर Vivo का जो वेबसाइट है इसका जो लिंक वगैरह रहेगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड IQ का जो प्लेलिस्ट है जरूर से चेकआउट करके देख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।